आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट एक ड्राइंग और एडिटिंग टूल है। ये उन कंप्यूटर्स में मिलता है जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज डला होता है। एमएस पेंट हमें साधारण ड्राइंग, पेंटिंग करने की सुविधा देता है और इसमें कुछ फोटो एडिटिंग भी की जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको एमएस पेंट का परिचय दे रहे हैं, साथ ही होम टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शंस के बारे में संक्षेप में बता रहे हैं। कंप्यूटर में एमएस पेंट ओपन करने के वैसे तो 3-4 तरीके हैं, आज हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका है स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। इसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें, फिर पेंट पर क्लिक करें। ये देखिए एमएस पेंट खुल गया है। चलिए अब आपको एमएस पेंट खोलने का एक और तरीका बता देते हैं। उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करें पेंट। इसके बाद कीबोर्ड पर एंटर की को प्रेस करें। ये देखिए एमएस पेंट खुल गया है। अब हम आपको एमएस पेंट को उपयोग करने की जानकारी दे देते हैं। यहां पर सबसे ऊपर है टाइटल बार, ये है मेन्यू बार और ये है टूल बार। अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ टाइटल बार में अनटाइटल्ड लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब तक हम फाइल को नाम देकर सेव नहीं कर देते, तब तक यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा और जैसे ही हम फाइल को नाम देकर सेव कर देंगे, यहाँ पर हमारे द्वारा दिया गया नाम दिखाई पड़ने लगेगा। टाइटल बार में राइट साइड में आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, इनके बारे में आपको बता देते हैं। ये है मिनिमाइज बटन, इस पर क्लिक करते ही पेंट विंडो टास्क बार में चली जाएगी। ये देखिए यहां पर है पेंट विंडो जो कि टास्क बार में छुप गई है। अब इस छुपी हुई पेंट की विंडो को वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर लाने के लिए हम इस पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए पेंट वापस से स्क्रीन पर आ गया है। मिनिमाइज बटन के बाद अगला है मैक्सिमाइज बटन, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए एमएस पेंट की विंडो थोड़ी छोटी हो गई है। अब वापस मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते ही एमएस पेंट की विंडो पूरी स्क्रीन पर फिट हो गई है। यदि आप एमएस पेंट को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज बटन पर क्लिक करें, पर चूंकि अभी हमें इस पर काम करना सीखना है इसलिए हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। ये ऑप्शंस क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आते हैं। इनमें से जरूरी ऑप्शंस हैं सेव, अंडू और रीडू। इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। एमएस पेंट में ये जो सफेद एरिया आपको दिख रहा है, ये है हमारा वर्क स्पेस या फिर ड्रॉइंग एरिया। इसे हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ दिखाई दे रहे किसी भी बिंदु पर माउस का पॉइंटर ले जाकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखते हुए इसे इधर उधर ड्रैग करके आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ कोने पर माउस से क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग किया तो ये व्हाइट वर्क स्पेस छोटा हो गया है। इसी तरह हम क्लिक करके बगैर क्लिक छोड़े इसे बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वर्क स्पेस बड़ा हो जाएगा। हमें इसी पर ड्रॉ या पेंट करना है। यहाँ आगे के ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हम ड्राइंग एरिया बड़ा करते हैं, राइट साइड और नीचे की ओर 2 स्क्रॉल बार दिखाई पड़ने लगे हैं। ये ड्राइंग एरिया को ऊपर नीचे और दाएं बाएं खिसकाने या सरकाने के लिए होते हैं। इसे खिसकाने के लिए हमें इस पर माउस से क्लिक करके बगैर क्लिक छोड़े ऊपर नीचे या दाएं बाएं ड्रैग करना होता है। अब इस विंडो में नीचे आप एक पट्टी देख रहे होंगे, ये स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार पेंट में ड्राइंग एरिया के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में जूम बटन होता है। इस बटन पर माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखते हुए इसे इधर उधर ड्रैग करके हम पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन की सहायता से हम ड्राइंग को बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट की मदद से हम इसे वापस छोटा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको पेंट के अन्य ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। टाइटल बार के नीचे का ये हिस्सा रिबन या टूल बॉक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत फाइल टैब,
होम टैब और व्यू टैब होते हैं और इन टैब्स के अंतर्गत कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले हम होम टैब के ऑप्शंस के बारे में आपको बता देते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बाकी के टैब्स के ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी देते जाएंगे। होम टैब में सबसे पहले है क्लिपबोर्ड सेक्शन। इस सेक्शन में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस होते हैं। कट ऑप्शन से किसी भी सिलेक्ट किए गए पार्ट को कट किया जा सकता है। कॉपी ऑप्शन इमेज के सिलेक्ट किए गए पोर्शन को कॉपी कर सकता है। पेस्ट ऑप्शन से कट या कॉपी किए गए पोर्शन को मनचाही जगह पर पेस्ट किया जा सकता है। इन ऑप्शंस को हम आगे चलकर डिटेल में समझेंगे, उसके पहले हम आपको अगले सेक्शन के ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। अगला सेक्शन है इमेज सेक्शन। इसमें सबसे पहले है सिलेक्ट। ये आपको इमेज का कोई भी हिस्सा सिलेक्ट करने में सहायता करता है। क्रॉप ऑप्शन की सहायता से ड्राइंग का कोई भी हिस्सा क्रॉप किया जा सकता है, यानी काटा जा सकता है। रीसाइज की सहायता से पिक्चर की हाइट और विड्थ, यानी ऊंचाई और चौड़ाई को चेंज किया जा सकता है। रोटेट ऑप्शन की सहायता से पिक्चर को या सिलेक्ट किए गए हिस्से को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं। अगला है टूल्स सेक्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है पेंसिल। इसका उपयोग लाइंस ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। पेंसिल से आप किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग आपके हाथ में होता है। आप माउस पर क्लिक करके जिस तरफ और जैसे उसे ले जाते हैं वैसी ही आकृति एमएस पेंट में बन जाती है। इसको यूज करने के लिए पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करें। पेंसिल पर क्लिक करते ही पेंसिल टूल सिलेक्ट हो जाएगा और आपका माउस पॉइंटर पेंसिल की तरह दिखने लगेगा। अब माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके बिना छोड़े उसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। ये देखिए लाइन बन गई है। लाइंस को आप अलग अलग कलर और साइज में भी बना सकते हैं। अगर आपको कलर बदलना हो तो पहले कलर वन पर क्लिक करें। कलर वन को फोरग्राउंड कलर भी कहा जाता है। अब कलर पैलेट से अपनी पसंद के कलर पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपका पेंसिल का कलर चेंज हो जाएगा। आइए एक लाइन खींचकर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे सिलेक्टेड कलर की लाइन यहाँ पर आ गई है। अब हम पेंसिल की साइज बदल कर देख लेते हैं। पेंसिल साइज बदलने के लिए साइज के डाउन एरो पर क्लिक करें। डाउन एरो पर क्लिक करते ही आपके सामने अलग अलग साइजेस की लाइन्स आ जाएंगी। अगर आपको पेंसिल से कम मोटाई की लाइन ड्रॉ करनी है तो कम मोटाई वाली लाइन सिलेक्ट करें, और यदि आपको ज्यादा मोटी लाइन ड्रॉ करनी हो तो ज्यादा मोटाई वाली लाइन सिलेक्ट कर लें। हम इस मेन्यू में से इस साइज को चुन रहे हैं। अब हम ड्रॉइंग एरिया में एक और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमने जो लाइन्स खींची हैं वो एकदम सीधी नहीं है। यदि आप एकदम सीधी लाइन खींचना चाहते हैं तो शिफ्ट की दबाकर रखें, साथ ही माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसे बिना छोड़े एक लाइन खींचे। ये देखिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। इसी तरह से लाइन खींचते हुए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये तो हमने कलर सेक्शन के कलर वन का उपयोग करके रेक्टेंगल बनाया। आप सोच रहे होंगे कि कलर टू का क्या उपयोग है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में आप पेंसिल को दो कलर्स में चला सकें तो उसके लिए कलर टू पर क्लिक करें और कलर पैलेट में से अपनी पसंद के कलर को सिलेक्ट कर लें। हम ब्लू कलर पर क्लिक कर रहे हैं। अब ड्राइंग एरिया में माउस के राइट बटन को दबाकर बिना छोड़े जो भी ड्रॉ करेंगे वो ब्लू कलर में बनेगा। ध्यान रखें, कलर वन के लिए हमने माउस के लेफ्ट क्लिक का उपयोग किया था और कलर टू के लिए माउस के राइट क्लिक का उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ वापस कलर टू में व्हाइट सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ हम टूल बॉक्स के पहले ऑप्शन पेंसिल की जानकारी तो आपको दे चुके हैं, अब आपको बताते हैं फिल विद कलर ऑप्शन के बारे में। ये रंग भरने वाली बाल्टी है, इससे किसी भी ड्राइंग में पसंदीदा कलर भर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है टेक्स्ट, इसे ड्राइंग एरिया में कुछ लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर है इरेजर, इसकी सहायता से ड्राइंग एरिया पर बनाए गए किसी भी शेप को या उसके हिस्से को मिटा सकते हैं। पांचवें नंबर पर है कलर पिकर, इसकी सहायता से आप ड्राइंग में से कोई भी कलर पिक करके ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। फिर है मैग्नीफायर,
इसकी सहायता से फाइल को जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है। उसके लिए पहले मैग्नीफायर पर लेफ्ट क्लिक करें और उसके बाद ड्राइंग एरिया में माउस ले जाकर फाइल को बड़ा करने के लिए लेफ्ट क्लिक करें और छोटा करने के लिए राइट क्लिक करें। अगर आपको कोई छोटा या बारीक काम करना हो तो जूम इन करके आप उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ब्रशेस की सहायता से ड्राइंग एरिया में इंसर्ट किए गए किसी भी शेप में अलग अलग तरह के ब्रश स्टाइल द्वारा विभिन्न पैटर्न के कलर भर सकते हैं और शेप्स के अंतर्गत कुछ रेडीमेड शेप्स होते हैं। इन शेप्स का उपयोग करके आसानी से एमएस पेंट में किसी भी साइज में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, हार्ट, एरोज आदि शेप्स को इंसर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपको एमएस पेंट का परिचय दिया, साथ ही होम टैब के ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी। अगली वीडियो में हम आपको इन सभी ऑप्शंस का उपयोग करके बताएंगे।